हरा मूंग लेंगे, इसे कढ़ाई में डालकर हल्के हल्के धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक इसका कलर हल्का रेड ना हो जाए। ये अभी नहीं रेडी हुआ है, अब ये हल्का रेड हो गया है। प्याज लहसुन अदरक मिर्च लेंगे और ये मूंग को 2 गिलास पानी डालकर 4-5 सीटी लगाएंगे। नमक हल्दी डाल देंगे और सारी सब्जियों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तेल गर्म करके पहले लहसुन अदरक मिर्च डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे और धीमी आंच पर इसे भूनेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, मिर्च पाउडर डालेंगे और गोल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये 4 सीटी के बाद अच्छे से मूंग पक गए हैं। अब इसको इसमें मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मूंग का उसना रेडी है। ये एक झटपट बनने वाली रेसिपी है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब हम थोड़ा चूड़ा फ्राई किए हैं और मूढ़ी फ्राई किए हैं, कुछ रोटी बनाई हूँ मैंने। अब हम अपनी ब्रेकफास्ट की थाली तैयार करेंगे। चटनी लिया है मैंने, सलाद लिया है, ये चूड़ा फ्राई किया था, ये मूढ़ी फ्राई है और 2 रोटियाँ लूँगी मैं। और आज ये थोड़ा भेज पुलाव लिया है मैंने। और आज का स्पेशल ये मूंग का उसना, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। कुछ मिसिंग है इसमें, हाँ मिक्सचर, ये मैंने थोड़े मिक्सचर लिए हैं। और ये मेरे और मेरे हस्बैंड की ब्रेकफास्ट की थाली है। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।